गुरु जी आ गए। चलो प्रहलाद, तुम्हारे पिता के पास ले चलते हैं। महाराज हिरण्यकश्यप के दरबार में गुरु संडामर्क पहुंचे। लो महाराज, आपके बेटे प्रहलाद को मैं शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाऊंगा। ठीक है जाओ। प्रहलाद तुम राम नाम क्यों भजते हो? प्रहलाद बोला, पिताजी तुम तो झूठे भगवान हो। मेरा राम तो रोम रोम में बस गया है पिताजी। बेटा, राम तुम्हारा शत्रु है, हमारा शत्रु है। अगर तू राम नाम न छोड़ेगा तो तू मारा जाएगा। प्यारी कयाधु, मुझे पता नहीं था ये कुल कलंकी बालक पैदा होगा। कि प्रिय तमें समझता था मैं ये प्रहलाद सुयस फैलाएगा, यह पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। हारा जा रहा हूं। प्रीतम समझता था मैं ये प्रहलाद सुयस फैलाएगा, यह पता न था इस पापी से कुल में कलंक लग जाएगा। बोली, स्वामी बेटा नादान है, इसे माफ कर दो। पैर पकड़ लेती है कयाधु अपने सैया हिरण्यकश्यप के। क्या बोली है भामी? और स्वामी मेरी मानो बात, अरे उम्र ललना की है बारी, प्यार ही कुछ और होता है। वास्तव में मैया का दिल होता है। स्वामी मेरी मानो बात, उम्र बेटा की है पारी।
नौ मैंने उधर पसायो देखे जन्म बड़े कष्ट उठायो सिखायो अंगुली पकड़ चलन सिखायो स्वामी दूध पिलाया गोद खिलायो चाहता हूं अपने दुश्मन प्रहलाद को। नहीं नहीं स्वामी, ये तुम क्या कह रहे हो? कटोरा जहर का रखा है, प्रहलाद ने जहर का कटोरा देखा, मैया रोकने लगी तो मां को कसम दे दिया, पिताजी की मैया तुझे सौगंध है, अगर तूने मेरा हाथ पकड़ा। मैया कांप गई। प्रहलाद ने क्या किया लोगों? जहर का कटोरा उठा करके मुख में लगाया। उसी समय भगवान भूत भवन भोले बाबा ने जहर का प्रभाव खींच लिया। हा हा, देखिए भगवान की, भोले बाबा की महिमा। जब जहर पीने से भी नहीं मारा, हिरण्यकश्यप ने क्या किया? कि गज से कुछ लायो और फिर मरो है न मारे लाल, और नागन से डरसायो फिर मरो है न मारे लाल।
चरित को आदेश मिला है, कई सैनिक हैं कि जाओ फेंक दो जाकर के ऊंचे पहाड़ से समुद्र, ऊंचे पहाड़ से सैनिक लोग फेंकने गए हैं। भक्तों भगवान की लीला निराली है, देखिए कि जिसे चाहते हैं, कि जिसे चाहते हैं कि जिसे चाहते हैं और मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं और जिसे चाहते हैं डालते हैं। चाहते हैं बना डालते हैं, चाहते हैं बने हैं, खिलौने बना के, खिलौने बना के, खिलौने बना के जिसे जीन चाह, जिसे जीन चाह डालते हैं, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं। हमारा भी कहना है, यानी शिवराज शास्त्री का कहना है, लोगों उनकी लीला बड़ी निराली है। प्रहलाद को गोद में जब प्रहलाद मारे नहीं मर रहा है, महाराज हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास जाते हैं, क्योंकि इसके पास शीतल चीर था। होलिका के पास जब होलिका का विवाह इसके पति से हुआ, इसका पति तपस्वी था, कोई नारी अगर छू ले तो भस्म हो सकती थी, आग निकलने लगती थी इसके पति के शरीर से। तभी होलिका ने शीतला मैया की तपस्या किया और एक शीतल चीर मैया से प्राप्त कर लिया ताकि हम अपने पिया के पास जा सकूं। आज हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन चलो, तुम्हारा भतीजा हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, जला दो चल करके उसको, ले लो शीतल चीर। होलिका आई है, प्रहलाद को गोद में ले लिया, बोली बेटा राम नाम छोड़ दे। प्रहलाद क्या बोले, बोले प्रहलाद राम मेरा इस जीवन में छूटे, श्वासों का तारे टूट
जाए तो शायद नाम छूट जाए। बंधु जल भुन गई बुआ, ढेर सारा ईंधन इकट्ठा करा के होलिका यानी प्रहलाद की बुआ गोद में लेकर के प्रहलाद को बैठ जाती है। लगा दी गई आग, आग जलने लगी। उद्धव जी भगवान का जाप कर रहा है, तभी भगवान विष्णु अपने भक्त को बचाने देखिए कैसे आए। बाहरी भक्त और बाहरी भगवान, और मारे झपट्टा आए प्रभु जी हवा के झोंके से। डकूरो बन गए डकूरो, देखो जेठ भाई साथ में आते। और मारे झपट्टा आए प्रभु जी हवा के झोंके से, और शीतल चीर वो लिपट गयो प्रहलाद के धोके। क्या हुआ? होलिका चिल्लाने लगी, चीर प्रहलाद के लिपट गया, कोई जान नहीं पाया ये लीला भागीरथ भैया। और माना कि हमें मार देगा वो, हमें तो जार देगा वो। भैया क्या हुआ? और मारे झपट आए प्रभु जी हवा के झोंके से, और शीतल चीर वो लिपट गयो प्रहलाद के धोखे से। दया रे दया मार डारे गो आय मोय जार डारे। Yeah.